अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिपेयर नासिर बलोच। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाजिरी माफ़ी के बारे में कि ये क्या है और हाजिरी माफ़ी की कितनी अकसाम हैं और ये कब दी जाती है। हाजिरी माफ़ी की दो अकसाम हैं, एक सिर्फ किसी एक पेशी की हाजिरी माफ़ी जबकि दूसरी मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी है। हाजिरी माफ़ी जो कि सिर्फ एक पेशी के लिए होती है, इसमें अदालत अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए एक पेशी की हाजिरी माफ़ी दे सकती है, जबकि मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी के लिए मुल्ज़िम को ये साबित करना होता है कि इसकी जान को शदीद ख़तरा है। और कंप्लेनेंट का मकसद ही यही है कि मुल्ज़िम को पेशियों के ज़रिए तंग परेशान और दलील किया जाए। दूसरा ये कि अगर आपको कोई सीरियस मेडिकल इशू है और अगर आप पेशी पर आएंगे तो आपको बहुत अखराजात आएंगे जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये इल्ज़ाम जो कि मेरे ऊपर है, ये एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है और इसमें कोई हकीकत सदाकत नहीं है। तो मेरा को एक्यूज जो है वो पेशी भरतेगा और मेरे ना आने से केस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और मेरे बिहाफ पर मेरा वकील जो है वो पेश होता रहेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आखिर में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दें। शुक्रिया।